और इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में प्रधानमंत्री का शगुफा भी छोड़ा गया। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन खड़गे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो वहीं खबर है कि पीएम का नाम आने से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई। बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विपक्ष के पीएम फेस के नाम पर चर्चा भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उससे साफ हो गया कि पीएम मोदी के खिलाफ फिलहाल विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो ब्रांड मोदी को टक्कर दे सके। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इंडिया अलायंस की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की चुप्पी कई सवालों का जवाब दे गई। गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अखिलेश यादव की चुप्पी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इशारा साफ है कि विपक्ष के पास फिलहाल पीएम फेस लायक कोई उम्मीदवार नजर नहीं आता है और इसकी वजह भी एक नहीं कई है। अव्वल तो ये कि विपक्ष अभी भी पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। कई मुद्दों पर अभी भी विपक्षी पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समाधान निकाल पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी की शख्सियत का मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। इसकी बानगी तो इंडिया अलायंस की बैठक से पहले ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित लेख में ही मिल गई थी। इस लेख में लिखा गया कि हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है, ये कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। साफ है पीएम फेस को लेकर विपक्ष कंफ्यूज है और एक हकीकत तो ये भी है कि विपक्ष के पास पीएम मोदी का कोई तोड़ फिलहाल नजर नहीं आता है। हालांकि इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसे भी अब देख लीजिए। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। कहां कितनी रैलियां होंगी और स्टार कैंपेनर कौन होंगे, चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में इंडिया अलायंस के संयोजक के नाम पर भी चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जा सकता है। बैठक में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। इसके अलावा इस बैठक में सदन से सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। इस बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। इस कमेटी का संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है।